13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तृत विवेचन करते हुए, ज्ञान अज्ञान की परिभाषा करते हुए, श्रेय की विस्तृत जानकारी देते हुए, प्रकृति व पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हुए, परमात्मा को जानने की विधियां बताते हुए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यूं कहा। ये शरीर अर्जुन समझ, क्षेत्र नाम कहा जाए, जो इसको है जानता वही क्षेत्रज्ञ कहलाए। सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझको ही तू जान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना ये ही सच्चा ज्ञान। कैसे क्षेत्र निर्मित हुआ क्या इसकी पहचान, कैसा वह क्षेत्रज्ञ है यह संक्षेप में जान। ऋषि मुनि सारे वेद में खोज करे बहु रीति, युक्त युक्त बुद्धि जन कही ब्रह्म सूत्र निज नीति। नव वायु पावक जलधरा प्रकृति बुद्धि अहंकार, दस इंद्रिय संग एक मन शब्दादि पंच बीज आधार। इच्छा द्वेष सुख दुख धृति चेतन गात, ये सब मिल जह लहरात है वही क्षेत्र कहलात। मन वाणी में सरलता सदा क्षमा का भाव, मान दंभ की शून्यता सदा अहिंसा भाव। गुरु की सेवा पवित्र नित स्थिरता का भाव, ज्ञानी जन रखता सदा मन इंद्रिन कूदाव। इंद्रिय भोग न लालसा दूर सदा अहंकार, जन्म मृत्यु व्याधि जरा इन पर नित करे विचार। पूर्ण अभाव प्रिय अप्रिय में एक सम पड़े न जगत प्रभाव। अन्य सभी से मन हटा मेरा हो नित भान, संसारी से दूर रह कर एकांत मचान। ज्ञान में प्रीति यही ज्ञान सत जानिए उल्टी अज्ञान की रीति। जो जानने योग्य है जिसे जानी परम सुख पाए,
सच कछु न कहा। यह शरीर एक क्षेत्र है और जो इसको समझ ले वही क्षेत्रज्ञ अर्थात ज्ञानी है। यह शरीर कैसे बना, क्यों बना और नष्ट होकर क्या गति होती है, ये जानना सच्चा ज्ञान है। भौतिक तत्वों से बना यह शरीर परमात्मा के अंश रूपी दिव्य तत्व आत्मा द्वारा चलाया जाता है। इसी आत्मा को जान लेना सच्चा ज्ञान है। हाथ पैर चारों दिशा नेत्र बदन सिर चहोर नभ की भांति फैला हुआ कान सुने जग शोर सकल इंद्रिय प्रेरक बना फिर भी सबसे दूर निरासक्त जग पोसता निर्गुण की गुण से पूर भीतर बाहर रमी रहा सकल चराचर जीव सूक्ष्म निकट अति दूर वह समझ न आवे अजीब एक रूप आकाश सम भासत नाना रूप धारे मारे जन्म दे विष्णु रुद्र विधि रूप ज्योति उद्गम वही तम से है अति दूर ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता वही सकल हृदय भरपूर क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र की कही बात संक्षिप्त भक्त समझ या बात सब मुझ में होता लिप्त क्षेत्रज्ञ को जानी अनादि अनंत रोग द्वेष त्रिगुणादि सब क्षेत्र मध्य ही फलंत कार्य करण कर्तादि सब क्षेत्र उपज कहलाए हानि लाभ सुख दुख सभी भोक्ता के घर जाए निर्भर निज क्षेत्र पर ताकु दियो सब खाए जो आसक्ति इनमें रखे जन्म मरण पुनि पाए उपदृष्टा अनुमंत भरत भुक्ता महादेव भी यही कहाए परम पुरुष ही रमि रहियो बन सब देह सहाय को प्रकृति गुणन के संग निज कर मन करता हुआ सदा रहे वन संग ध्यान लगा प्रभु देखते स्वयं स्वयं को लोग सांख्य योग और कर्म योग को अपनाते कुछ लोग शरीर और संसार के भेद वैसे तो बहुत गंभीर हैं किंतु वास्तविक गुरु मिल जाने से ये सारे भेद खुल जाते हैं। आत्मा को अपना और परमात्मा दोनों का ज्ञान हो जाता है। जड़ चेतन सब में परमात्मा व्याप्त है। सब ईश्वर से उत्पन्न होकर ईश्वर में ही मिल जाता है। जो इस अभिन्नता को जान लेता है वह शरीर
या संसार के लिए दुख नहीं करता। गुरु की सीख प्रतीति कर भजते भोले लोग, वो भी शीघ्र उबरते मृत्यु भयंकर रोग। जड़ चेतन उत्पत्ति सकल प्रकृति पुरुष संयोग, ऐसा जिन निश्चय हुआ नहीं सतावे भोग। जीव मात्र मेरा मिरहिया पुरुष एक समरूप, मरने पे हूँ ना मरे जो देखे सो भूप। सकल पदार्थ जो लखे आत्म तत्व की ज्योति, नहीं मरण निज समझता ताकि सदगति होती। प्रकृति क्षेत्र ही सब रचे ऐसा निश्चय जान, नहीं स्वयं कुछ कर रहा सदा अकर्ता मान। पृथक भावना जब मिटे एक रूप रम जाए, वाही से विस्तार सब समझ ब्रह्म हो जाए। कर रहा सकल जगत व्यापक तो दिखे न नभ का रूप, घट घट राज जो कर रहा फिर हूँ ना दिखे भूप। जी ही विधि सू